राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली में भाजपा नेता ओम प्रकाश कोहली के निधन पर आयोजित प्रार्थना सभा में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता होने के नाते हमें ओम प्रकाश कोहली के जीवन को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने जीवन में साधना की, उस साधना से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कोहली जी कार्यकर्ता के नाते आगे चलकर हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके जीवन को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। समय बीत जाता है, जिस तरीके से जीवन में उन्होंने साधना की उस साधना से हम सब लोगों के बहुत कुछ सीखने को है। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनके साथ मुझे शिक्षा क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षा के दृष्टि से देश को एक दृष्टि और दिशा देने वाली यूनिवर्सिटी रही और वहाँ वामपंथियों से टक्कर ले अपनी विचारधारा को सारे देश में पहुँचाना, ये लगता तो सरल है लेकिन उस समय के लोग जानते हैं कि कितना कठिन था, क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय में रह करके उसको एहसास किया। और कोहली जी में तीनों खूबियाँ थी, वो संगठक भी थे, वो विचारक भी थे और वो नेता भी थे। जब हम संगठक कहते हैं तो उन्होंने एक ही संगठन की रचना नहीं की, कई संगठनों की रचना की उन्होंने और एक तपस्वी भाव से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। डूटा में वो नेता के रूप में जाने गए। अब उस समय के शिक्षा जगत में डूटा का अध्यक्ष बनना, ये आज हम लोगों को लगता होगा कि हाँ ये तो जीतते हैं तो ये भी जीत लिया होगा, लेकिन उस समय डूटा का अध्यक्ष बनने का मतलब वैचारिक पृष्ठभूमि पर हमारी विचारधारा को स्थापित करने के बराबर था और वो नेतृत्व उन्होंने हमको दिया। विचारक के दृष्टि से देखें तो उन्होंने हमारी विचारधारा को जो इज्जत दिलाई, प्रस्थापित किया शिक्षकों के बीच में, वह अपने आप में हम सब लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अगर हम विद्यार्थी क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 3 बार अध्यक्षता तो की लेकिन लाखों विद्यार्थियों को प्रेरणा दी और लाखों विद्यार्थियों को उन्होंने अपने प्रेरणा और विचार से प्रभावित किया, ये उनका व्यक्तित्व था। तो जब वो डूटा में थे तो शिक्षकों में उन्होंने स्थान बनाया, टीचर के रूप में उन्होंने आदर्श शिक्षक के रूप में स्थान बनाया। अगर मैं बात करूं NDTF के रूप में तो दिल्ली विश्वविद्यालय और सारे देश के शिक्षकों के बीच में उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि में अपने आप को स्थापित किया और दिशा दी NDTF को। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो दिल्ली को तो दृष्टि दी लेकिन सांसद के रूप में एक आदर्श सांसद कैसा होता हो इसको भी प्रतिस्थापित किया, तो कोहली जी ने प्रतिस्थापित किया और गवर्नर भी रहे। और मैं तो कहता हूं कि कई पद उनके जीवन में आए लेकिन संयम, समर्पण और सहनशीलता की मूर्ति के रूप में उन्होंने हम सब लोगों को दृष्टि और दिशा दी। अगर थोड़ी सी भी उनकी खूबियां अगर हम सब लोग अपने जीवन में उतार सके तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। ऐसे हमारे कोहली जी थे, इनको हम श्रद्धांजलि तो देते ही हैं लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी कि उनके जीवन से जो हम लोगों ने सीखा वह अपने जीवन में थोड़ा भी उतार पाएंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र सर्वप्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम।